नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। हमारे साथ इस वक्त जो हस्ती मौजूद हैं, अरुण जगोटा फिल्म एडिटर हैं, साथ में एक्टिंग में भी इन्होंने हाथ आजमाया है। आज इनसे आपको रूबरू कराएंगे। अरुण जी, आपकी जो जर्नी है तकरीबन एक दशक की हो गई, कहां से शुरू किया था, कितना सेटिस्फेक्शन है आज और कहां तक पहुंचे हैं? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था एज ए एक्टर स्टार्ट किया था सीटा थिएटर ग्रुप से 2009 में अरविंद गौर सर, तो वहां से मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी और एक साल मैंने एक्टिंग की। उसके 3 इडियट्स ने मेरा माइंड चेंज किया, राजकुमार ईरानी की फिल्म। तो उसके बाद मैंने एडिटिंग पे फोकस किया और आज तक मैं 10 साल से मैं एडिटिंग कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एडिटिंग में एक बेस्ट एडिटिंग अवार्ड भी जीता अनएक्सपेक्टेड लाइफ के लिए दिल्ली फिल्म फेस्टिवल में। और उससे बस काम कर रहा हूँ और ज़्यादातर मेरा काम कमर्शियल फिल्मों का है, कमर्शियल चीज़ों का है। अरुण जी, अगर कहा जाए तो ऐसी कौन सी फिल्में रहीं, शॉर्ट फिल्म की अगर हम बात करें, एड फिल्म की अगर हम बात करें या फिर बड़ी सिनेमा की हम बात करें, जिनका आप हिस्सा रहे और जहाँ पे आपको एक पहचान मिली? पहले तो अनारकली ऑफ आरा जो अविनाश दास ने डायरेक्ट की थी और संदीप कपूर ने प्रोड्यूस की थी, तो उसका ट्रेलर और मेकिंग मैंने काटी थी। और उमान टीवी के लिए मैंने काम किया, 30 एपिसोड उमान टीवी के लिए किया और वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। उसके बाद बहुत सारे काम किए, जैसे कि मैंने दिलबाग का ऐड किया, एयरटेल का ऐड किया, डाबर का ऐड किया, नेस्ले का भी किया। तो अभी क्या कुछ भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं आपकी फिल्म एडिटिंग के क्षेत्र में या फिर निर्देशन के क्षेत्र में, किस तरफ आप जाना चाहते हैं? वैसे तो मेरी जो पहली फिल्म आ रही है ट्रिप टू धर्मशाला, वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। उससे मैं एज ए डायरेक्टर डेब्यू कर रहा हूँ अपने प्रोडक्शन से, अरुण जगोटा फिल्म से स्टार्ट कर रहा हूँ। और मुझे लगता है सही टाइम है क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी अच्छे एडिटर हैं वो अच्छे डायरेक्टर बनते हैं, जैसे कि डेविड धवन, राजकुमार ईरानी। और ट्रिप टू धर्मशाला जिसकी आपने बात कही, इसकी शॉर्ट फिल्म आपने बनाई है, किस तरह की ये फिल्म है, धर्मशाला के बारे में कुछ कहती है या फिर आपका ये एक सफर था उसके ऊपर आपने ये क्रिएट किया है? ये धर्मशाला जो है ट्रिप टू धर्मशाला, ये फोकस करती है दो चीजों पे। एक है धर्मशाला का स्टेडियम के बारे में, लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, और दूसरा है वहाँ पे काली माता का मंदिर है धर्मशाला में, तो उस पर भी प्रिडिक्ट करती है कि लोगों का क्या उनको अच्छा लगा उस काली माता के मंदिर में जाते हुए और कितना उनको एफर्ट लगा, कितनी दूर था, वो उस पर फोकस कर रही है। तो ये शॉर्ट मूवी आपकी जो ट्रिप टू धर्मशाला है, एक कमर्शियल वे में आपने बनाई है या फिर एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है, और आगे किस तरह से देखते हैं? एज ए डॉक्यूमेंट्री ही बनाई है, बस इसका नाम ट्रिप टू धर्मशाला इसे रखा क्योंकि ट्रिप ही था वो। और मेरे पापा ने प्रोड्यूस किया फिल्म एंड ये होम प्रोडक्शन की काम है। ओके, आगे दर्शकों को बताएं क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी और किस तरह से, किस रूप में दर्शक आपको देख पाएंगे? मैं अपने पहले एजे म्यूजिक को आगे करूंगा, फिर अपने प्रोडक्शन में भी काम कर रहा हूँ, एज ए एक्टर भी काम करूंगा। मैं एक स्क्रिप्ट रेडी है डिज्नी हॉटस्टार के लिए और आगे भी कुछ 2-4 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं उसमें मैं एज ए ट्रेलर भी एडिटर काम करूंगा, एज ए ट्रेलर एडिटर, और एक तो मूवी है जिसको मैं एडिट करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अरुण जगोटा अपने करियर के बारे में बताते हुए, अपने आगे की जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताते हुए। आगे इसी श्रृंखला में आपको अन्य जो तमाम हस्तियां होती हैं समाज की और विभिन्न क्षेत्रों की, उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। नमस्कार।